गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एक पोएम के बारे में बतलाने जा रही हूँ जिसका नाम है बैंगल सेलर्स, रिटन बाय द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। हाँ, सरोजनी नायडू को इंडिया का नाइट एंगल भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ग्रेट पोएट थी, प्लस इंडिया की आजादी में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। ये एक बंगाली हिंदू फैमिली को बिलोंग करती है जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई, लंदन और कैम्ब्रिज में की है। इंडियन ये जो इनके पोएम बैंगल सेलर्स, पैलेंक्विन बियर्स, बहुत सारे ऐसे पोएम हैं जो कि एकदम बेसिकली एक इंडियन कल्चर को, जो एक बेसिक इंडियन कल्चर, रूरल इंडियन कल्चर है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं इनके बहुत सारे पोएम्स, जिसमें से एक बैंगल सेलर्स भी है। ये पोएम पहली बार पब्लिश हुआ था ऑफिशियली इन 1912। तो इस पोएम में एक्चुअली चार पैराग्राफ है, एक दो, उधर मैंने एक तीन लिखा है और चौथा मैं इसके बाद बतलाऊंगी। तो फर्स्ट है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेंपल फेयर, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, लश्चरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। बैंगल सेलर्स है, वो बोल रहे हैं कि बैंगल सेलर्स आर वी, बैंगल सेलर्स हम हैं, वी स्टैंड्स फॉर द बैंगल सेलर्स, जो कि अपने सर पे हम बियर करते उस बोझ को ढोते हैं। किस चीज के बोझ को ढोते हैं? तो जो चमकता हुआ है, मतलब जो चूड़ियां, जो शाइनिंग बैंगल्स हैं, उसके बोझ को हम अपने सर पे रख के और उसको टेम्पल फेयर तक ले जाते हैं। मतलब जो मंदिरों के बाहर एक मेला सा लगता है कोई फेस्टिवल के समय में, तो उस वक्त उस मेले में बेचने के लिए हम इन चमकीले बोझ को ले जाते हैं, मतलब चमकीली चूड़ियों को ले जाते हैं। और फिर ये जो बैंगल सेलर से चूड़ी बेचने वाले, ये चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि ये ले लो चूड़ियां, लाइक दिस, इस तरह बोलते, कौन लेगा ये चूड़ियां? तो हु विल बाय दिस डेलिकेट, ये कोमल, बहुत ही ब्रिटल भी होती है और डेलिकेट भी होती है और बहुत ब्राइट, चमकीली भी होती है। रेनबो टिंटेड, टिंटेड का मतलब है स्लाइटली कलर्ड। तो जैसे एक रेनबो में बहुत 7 कलर्स होते हैं, ठीक उसी तरह रंग बिरंगे चूड़ियां हैं, और चूंकि ये बहुत ब्राइट है तो और गोल सर्कल होती है, तो दीज आर लाइक सर्कल्स ऑफ लाइट, जैसे कि कोई लाइट का गोला हो उस तरह से ये चमचमाती रहती है जब, तो सर्कल्स ऑफ लाइट की तरह दिखती है। तो जो बैंगल सेलर्स है वो इसी तरह बोलते हैं कि कौन इन चमकीली चूड़ियों को खरीदेगा, इस तरह से। तो वो चीज क्वेश्चन मार्क की तरह डिनोट किया गया है जो बैंगल सेलर्स कहते हैं जब वो अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए मार्केट में लगाते हैं। लश्चरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स, लश्चरस कहते हैं समथिंग दैट इज ब्राइट। आपने अगर साइंस में पढ़ा भी होगा कि मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है लश्चर, चमक, तो जो चमकीली, टोकन्स कहते हैं साइंस एंड सिंबल्स, और रेडियंट का मतलब होता है हैप्पी लुकिंग। तो ये एक चिन्ह है एक खुशहाल जिंदगी की। इट्स लाइक कि जैसे कि हमारे यहाँ कल्चर है कि जो एक विडो हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, वो कांच की चमकीली चूड़ियों को नहीं पहनती। तो जो लोग ये चमकीली चूड़ियों को पहनते हैं, सजते धजते, तो वो खुश है, जाहिर सी बात है, तभी वो इतना सज धज रहे हैं। तो ये जो चमकीली चूड़ियां हैं, ये एक साइनिंग, एक शाइन करता हुआ एक चिन्ह है खुशहाल जिंदगी की, फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। और ये जो चूड़ियां लोग ले जाते हैं वो अपने बेटियों को के लिए ले जाते हैं या फिर अपनी पत्नियों के लिए। तो ऑफ कोर्स ये एक चिन्ह है खुशहाल जिंदगी का, एक खुशहाल बेटियों के लिए और खुशहाल पत्नियों के लिए। और ये जो पोएम है, इसके हर एक पैराग्राफ का सेम राइम स्कीम है, हर दो लाइन जो है उसका साउंड लास्ट का सेम, बियर फेयर ब्राइट लाइट लाइव्स वाइव्स। तो राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी, इसमें भी वही ए ए बी बी सी सी, उसमें भी वही है। नाउ सेकंड पैराग्राफ। अब ये जो पोएट है वो बतला रही है कि कुछ कि हर एक एज में ये चूड़ियां पहनी जाती है, मगर हर एक एज में इसका सिग्निफिकेंस और इसका कलर अलग होता है। सम आर फिट फॉर अ मेडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। तो कुछ चूड़ियां जो है वो एक मेडन कहते हैं कुमारी लड़की, तो कुमारी लड़कियों की कलाई रिस्ट, दिस इज कलाई रिस्ट। तो यहाँ पे उन कुमारी लड़कियों के लिए कुछ चूड़ियां होती हैं जो कि सिल्वर कलर की होती हैं या ब्लू कलर की होती हैं, जैसे किसी पहाड़ पे जो एक धुंध सा लगता है, एक स्काई ब्लू व्हाइट, एक मिक्सचर सा, एक जो वो कुहासा जैसा लगता है, उस तरह जो एक वो देखने में कितना होली, कितना पीसफुल लगता है। तो ठीक, चूंकि एक कुमारी लड़की जो होती है उसको पवित्रता की निशानी मानी जाती है, बहुत लोग कुमारी कन्याओं की पूजा भी करते हैं हमारे देश में, तो इससे रिलेट करके पोएट ने ये लिखी है पोएट ने कि कुछ जो
मेडन ब्रेस्ट के लिए जो चूड़ियां बनी होती है सिल्वर या ब्लू कलर की, वो ठीक उसी तरह लगता है देखने में जैसे एक पहाड़ पे कोई कुहासा छाया हो, ठीक उस तरह। सम आर फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। कुछ जो चूड़ियां होती हैं दे आर फ्लश, दे आर फ्रेश, वो इतनी फ्रेश, एक पिंक फ्लश का सेंस एक पिंकिश कलर से, लाइट पिंक लाइट रेड कलर से। तो कुछ चूड़ियां उस तरह से खूबसूरत होती हैं, उतनी फ्रेश होती हैं जितना कि कोई कली जो कि स्ट्रीम कहते हैं, कोई छोटी नदी, ब्रो कहते हैं किनारा एज बैंक, तो कोई वैसी कली जो कि एक जंगल में बह के बीच बहती किसी नदी के किनारे अगर कोई कली खिली हो, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत सा एक सीनरी आपकी आंखों के सामने है कि एक जंगल है उसमें बीच में कोई नदी बह रही है और वहां पे कोई एक लाइट पिंक लाइट रेड कलर की कली खिली हो, तो उस तरह से फ्रेश, उस तरह उस कलर की कोई चूड़ियां भी जो होती हैं वो एक मेडन के लिए ही होती हैं। अब देखिए, एक जो कुमारी लड़की है वो एक यंग है, शी इज नॉट मैच्योर, शी इज नॉट कम्प्लीटली ग्रोन अप, ठीक उसी तरह जैसे कि कोई कली, कली भी तो क्या है कि वो यंग फ्लावर है, तो इस वजह से मेडन के लिए ही वो चूड़ियां हैं जो कि बर्ड्स की तरह फ्लश करती हैं, बर्ड्स की तरह फ्रेश हैं। तो बहुत प्रॉपरली पोएट ने इन वर्ड्स को एक ही पैराग्राफ में डाला है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। ट्रैंक्विल मीन्स होता है पीसफुल, और अभी मैंने ब्रो मतलब एज बताया, तो वो ये जंगल के बीच से जो नदी बह रही है उसके पीसफुल किनारे पर कोई फूल की कली खिली हो, उस तरह से उस वो रंग की भी चूड़ियां मेडन के लिए ही होती है। और कुछ चूड़ियां मेडन के लिए वो भी होती हैं जो कि एक नए पत्ते की तरह से फ्रेश क्लियर ट्रांसपेरेंट, वो जो एक लाइट ग्रीन कलर का होता है वो भी, हर चीज देखिए यहाँ पे न्यू बॉर्न हो बर्ड हो, ये दोनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक यंग गर्ल के नेचर से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, एक यंगनेस को डिनोट करते हैं। तो कुछ चूड़ियां ऐसी भी हैं जो कि उतनी ही ग्लो करती है जितना कि कोई नया जन्मा कोई पत्ता जो नया निकला हो उसकी जो एक क्लियरनेस एक सॉफ्टनेस होती है, ठीक उसी तरह से कुछ चूड़ियों के रंग भी होते हैं लाइट ग्रीन, वो भी मेडन के लिए ही है। कुमारी लड़कियों के लिए मीन्स थ्री कलर्स की चूड़ियां हुई, एक सिल्वर और ब्लू फर्स्ट, सेकंड एक पिंकिश जो कली का रंग होता है, दूसरा जो न्यू बॉर्न पत्तों का रंग होता है वो। क्लीव मतलब टू क्लिंग, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया कि कुछ चूड़ियां वैसे ही फ्रेश उसी तरह से लाइट ग्रीन होती हैं जैसे कि उनकी चमक ठीक वैसे होती है जैसे कि एक नए जन्मे पत्ते की चमक पत्ते की क्लियरनेस होती है। नाउ दिस इज द थर्ड पैराग्राफ, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। तो इस थर्ड पैराग्राफ में कंपेयर किया गया चूड़ियों के रंग को लाइक द फील्ड्स ऑफ कॉर्न, मकई के वो खेत जिसमें मान लीजिए सनलाइट तुरंत पड़ रहा है तो कितना वो चमकता है, पीला पीला एक चमक आता है उसमें, तो कुछ उस तरह से येलो होती हैं। और उस तरह की चूड़िया कौन पहनता है, तो एक दुल्हन अपने शादी वाले दिन के सुबह में, मिट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। और कुछ चूड़िया तो ये येलोइश कलर जो है वो एक दुल्हन अपने शादी के सुबह के दिन पहने, उस तरह से मीन करता है। और कुछ चूड़िया उसके शादी में जो आग होता है जिसके चारों तरफ फेरे होते हैं उस रंग का होता है, मतलब रेड, और वो रेडनेस किस चीज को डिनोट करता है, वो रेडनेस डिनोट करता है द पैशन ऑफ मैरिज ऑफ अ मैरिड लाइफ, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। या कुछ चूड़िया जो होती हैं दैट इज जिसका रंग जो है वो एक दुल्हन के दिल के इच्छाओं के जैसा होता है, मीन्स हार्ट्स डिजायर कैन बी डिनोटेड बाय द कलर रेड। तो मैरिज फायर जो होता है इट इज समथिंग ऑफ ऑरेंज एंड रेड, बट द हार्ट्स डिजायर इज कम्प्लीटली लाइक ब्लड रेड। तो इस वजह से ये हर फेज ऑफ लाइफ में चूड़ियों के कलर को चेंज कर रहे हैं, तो ये पोएट जो है वो शो करती है कि कैसे एक लड़की के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कैसे जब वो यंग रहती है तो वो प्योर रहती है, हर चीज उसमें एक यंगनेस एक बहुत ही सॉफ्टनेस सा सब कुछ उसके लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वो जब बड़ी होती है मैच्योर होती है उसकी शादी होती है तो वो एक पैशन आता है एक रेड कलर डिनोट, इसलिए वो जो चूड़ियां रेड कलर की पहनती है वो उसके लाइफ के पैशन को डिनोट करता है, उसके डिजायर्स जो वो इच्छाएं रखती है अपने नए घर नए अपने नए पति से उस चीजों को डिनोट करता है वो रेड कलर जो कि वो अपने शादी के टाइम पहनती है कोई लड़की।
टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर. ये जो चूड़ी टिंकलिंग कहते हैं वो जो साउंड चूड़ियों के टकराने से जो एक खनकने की साउंड आती है, तो ये चूड़ियां टिंकल करती है, ल्यूमिनस होती है मतलब उसमें से जैसे एक चमक निकलती हो, टेंडर होती है कोमल होती है और क्लियर होती है. लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. नाउ व्हाट डज दिस डिनोट, कि जो कोई भी एक लड़की जो है एक दुल्हन है, तो आफ्टर ऑल आफ्टर मैरिज शी इज गोइंग टू लीव हर पेरेंट्स हाउस. So there is a mixed emotions in her mind, within herself, like it is a mixture of happiness and sadness. The happiness that she is going to start a new life with her husband and the sadness that she is going to leave her parents' house. Dukh is baat ka hai ki wo apne ghar ko, apne maa-baap ko chhod kar ja rahi hai. To wahi par ek dulhan ki ek khushi bhi hai ki wo ek nayi zindagi, ek nayi insaan ke saath shuru karne ja rahi hai. So there is a mixture of emotions. Now the fourth part. Now this is the fourth paragraph. इसके first line से ये लगता है कि जो bangles sellers हैं वो अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए चिल्ला रहे हो कि कुछ चूड़ियाँ ले लो, कुछ जो purple color की है, कुछ gold flaked grey. Flake means stain. So एक gold color की चूड़ी जिसपे कि grey color का design हो, that sort of. तो कुछ चूड़ियाँ purple है, कुछ gold flaked grey color की है. For she who has journeyed through life midway. उन महिलाओं के लिए, उन विमेन के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी के आधे मींस आधी उम्र पार कर दी है, मींस दे आर अराउंड 45, 50, 55 इस तरह से, तो उन लोगों के लिए इस कलर की चूड़ियां हैं. हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज ब्लेस्ड एंड क्रैडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट. नाउ क्या है कि जिनके एक प्रॉपर हाउसवाइफ, एक प्रॉपर विमेन की पहचान ये बतला रहा है कि वो औरतों के लिए चूड़ियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को, अपने घर गृहस्थी को ठीक से संभाला है. चेरिश मतलब किसी को बहुत अच्छे से हग करना या फिर किसी को बहुत अच्छे से प्यार करना. सो जिसके हाथों ने प्यार किया है, जिसके प्यार ने लोगों को आशीर्वाद दिया है. ब्लेस्ड इज ऑल्सो पास्ट इन फॉर्म ऑफ ब्लेस, आशीर्वाद दिया है. एंड क्रेडिट फेयर सन्स, और यहाँ जो सन है एक्चुअली होना चाहिए कि एक महिला अपने बच्चों को पालती है, लेकिन सन जो है वो डिनोट करता है सरोजनी नायडू के टाइम का जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उसको, कि उस टाइम हर लोगों को बच्चा ही चाहिए, सॉरी बच्चा में लड़का ही चाहिए होता था. तो उस सोसाइटी को यहाँ इसलिए सन्स लिखा है कि जिन औरतों ने हु हैव फेड देयर चिल्ड्रेन, हु हैव मिल्क फेड देयर चिल्ड्रेन, मतलब जिन लोगों जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, मींस उनका पालन पोषण किया है, नर्चर किया है उनको, इस सेंस से कह रहे हैं. हु सर्व्स हर हाउसहोल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और जिन महिलाओं जो महिलाएं अपने घर गृहस्थी को बहुत गर्व के साथ उसको संभालती हैं, उन औरतों के लिए ये चूड़ियां हैं. एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और जो एक पूजा पाठ करती है वो भी अपने पति के साथ करती है, मतलब वो अपने पति के साथ, अपने पति के बगल में हर चीज में उनके साथ खड़ी होती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, व्हाटएवर. तो बहुत अच्छे से ये पोयम एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन को दिखला रहा है, और बैंगल्स का उनके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसको वो बतला रहा है. प्लस बैंगल सेलर्स जो हैं वो कितना एक इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत ही इमिनेंट रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ में, इन चीजों को वो शो कर रहा है. सो गाइज, दिस वॉज द पोएम बैंगल सेलर्स. होप आपको समझ आया हो. स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज. थैंक यू.